दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। तो आज मैं इधर अपने खेत में हूँ। तो ये हमारा बाजरा जो है ना, ये हमने बीजा हुआ है। तो ये जो बाजरा है ना, ये पक गया है हमारा, ये देखें। तो आज मैं इसको लापूंगी ऊपर से। इसकी बाजरा जो है ना, ये इसका जो कुत्ती है ना, ये मैं ऊपर से लापूंगी। इसके ये पक गए हैं, तो नीचे से जो ये चारा है ना, ये हम अपने जानवरों को डाल लेंगे। तो ये हम ऊपर से काट लेंगे। तो किस तरह मैं काटती हूँ, तो ये आज मैं आपसे शेयर करूँगी, आपको दिखाऊँगी। तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। तो ये देखें, ये दादरी है, इसके साथ मैं इसको काटूँगी। पहले मैं कपड़ा जो है ना वो बांध लूँ, जिसके अंदर मैंने इसको डालना है। जी, तो ये हमने कपड़ा नीचे बिछा दिया। इसकी दूरी नहीं बची थी, ये छोटा है, तो इसका मैं काटते हूँ। ये जो बाजरा है, ये जो बाजरा है ना, बाजरे की फसल है। इसके मैं आपको फ़ायदे बताऊँ, इससे ना दाने जो है ना, इससे वो भी भुने जाते हैं। निकाल के हम इसको धूप में डालेंगे तो ये सूखेगा ना। सूखने के बाद इसके अंदर से हम दाने निकालेंगे, तो वो भूनते हैं, खाते हैं इसके। तो जो बाजरे का आटा होता है ना, उसकी रोटी बड़ी मज़े की बनती है। तो ये जो है बाजरे का आटा, तो आपने सुना ही होगा। तो लेकिन ये बाजरा है वो, जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, आपको दिखा रही हूँ। इसी तरह हम गांव में ना, हाँ, जो फसल भी होती है, तो ये देखें, एक एक करके हम इसको इकट्ठा करते हैं। तो ज़्यादा सी बनती है, तो बहुत से इंसान खाते हैं। शहरों में जाती है, शहरों में जाती है बात, गांव वाले भी खाते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये किस तरह का निज़ाम बनाया, ये देखें। ये थोड़ी थोड़ी जो होती हैं चीज़ें फसलें, तो अल्लाह ने ये कर ज़मीन से पैदा करता है। तो ये सब इंसान खाते हैं, पूरी दुनिया में जाती है। आप दोस्तों को पता तो लग गया होगा, तो बाजरे की जो फसल है वो किस तरह होती है।